अस्सलाम वालेकुम। तो ये चैनल बनाया गया है रबिया के लिए। रबिया को बहुत शौक़ है टीचिंग का और रबिया ख़ुद भी क्लास फोर की स्टूडेंट है और ये लेवल फोर का ही यूनिट है साइंस का इलेक्ट्रिसिटी। चलें ओके जी, फिर स्टार्ट करते हैं। आपके साथ तमाम सब्जेक्ट शेयर करेंगे। चलें अब मैं आपको क्वेश्चन करवाती हूँ। क्वेश्चन वन है हमारा, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक करंट। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन टू है, व्हाट इज सर्किट। आ सर्किट इज अ पाथवे मेड ऑफ वायर्स दैट अलाउज एन इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो। हमारा क्वेश्चन थ्री है, हाउ मैनी कंपोनेंट्स ऑफ अ सर्किट। देयर आर फोर कंपोनेंट्स ऑफ अ सर्किट। हमारा वन कंपोनेंट है बल्ब, दूसरा है वायर, तीसरा है बैटरी, चौथा है स्विच। हमारा क्वेश्चन फोर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर इंसुलेटर और दरमियान में लाइन ड्रा कर देंगे। मटेरियल्स विच करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। इरोजिरोट वाटर आयरन इंसुलेटर का है जी। मटेरियल विच डू नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। इरोजिरोट वुड रबर ईटीसी। हमारा क्वेश्चन फाइव है जी, डिफरेंस बिटवीन एन ओपन एंड क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट क्लोज सर्किट। इफ देयर इज अ गैप इन द सर्किट द करंट विल नॉट फ्लो। दिस इज कॉल्ड ओपन सर्किट। क्लोज सर्किट इफ देयर इज नो गैप इन द सर्किट the current will flow. This is called closed circuit. तो इनकी ये डायग्राम है, ये है जी ओपन सर्किट और ये है जी क्लोज सर्किट। जी ओपन सर्किट की ये है कि ओपन सर्किट में वायर अगर गैप कर रही हैं तो वो ओपन सर्किट है और जो क्लोज सर्किट है वो जो वायर हैं वो जुड़ी हुई हैं, वो करंट फ्लो कर सकता है, इसमें करंट नहीं फ्लो कर सकता। ये क्लोज सर्किट है और ये ओपन सर्किट है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन सिक्स है जी, डिफाइन स्विच। स्विच इज अ डिवाइस विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट। इट इज यूज टू टर्न ऑन और ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। हमारा क्वेश्चन सेवन है, मेक अ क्लियर कंप्रेशन बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स with a diagram. Use their bulbs wire. Use three bulbs while make a circuit. Series circuit, parallel circuit. हमने इनको define करना है। In series circuit, bulbs are connected one after the other. पैरेलल सर्किट, इन पैरेलल सर्किट बल्ब्स आर कनेक्टेड इन डिफरेंट ब्रांचेस। देयर जो सीरीज सर्किट है उसका है, देयर इज सिंगल पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट। और जो पैरेलल सर्किट है इसका है, देयर आर टू और मोर पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट। इधर क्या था, सिंगल पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट। इधर ऐसे था कि ये सिंगल था, ये सिंगल था, ये सिंगल था और इसमें क्या है, इसमें डिफरेंट ब्रांचेस बनी हुई हैं। पहले एक बल्ब की ब्रांच है, फिर दूसरी की है और फिर तीसरी की है। ऐसे हम जितने भी बल्ब चाहें लगा सकते हैं। ये फ्रेंड मेरे टेस्ट हैं। तो टीचर ने लिया था सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट का, तो ये मैंने बहुत अच्छा दिया और समझे मैं ही क्लास की इंटेलिजेंट बच्ची हूँ। मैंने आपको क्वेश्चन है सिक्स पढ़ाया था ना, तो टीचर ने उसका लिया और मैंने आपको ये कंडक्टर्स और इंसुलेटर का पढ़ाया था। यहाँ
कंडक्टर और इंसुलेटर का, तो टीचर ने कंडक्टर और इंसुलेटर भी मुझे दिया था। तो बस ये दो थे, मैं आगे देख लेती हूँ। ये भी यूनिट 9 का ही है। तो हमारा क्वेश्चन 8 है, वेयर कैन यू फाइंड एन इंसुलेटर ऑन अ वायर, व्हाट इज इट्स एडवांटेज एंड एडवांटेज। इसका आंसर है, द प्लास्टिक कवरिंग ऑफ वायर्स इज एन इंसुलेटर, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। व्हाट इज नीड फॉर इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो, एंड इलेक्ट्रिक करंट नीड अ सर्किट टू फ्लो। क्वेश्चन 10 है, राइट द एग्जांपल्स इन विच वी यूज इलेक्ट्रिसिटी। We can use electricity to light up the bulb, to heat up the oven, to run computer. तो इन तीनों क्वेश्चन के टीचर ने इनमें से दो करवाए थे, एक वी यूज ये वाला क्वेश्चन है टन, और एक टीचर ने करवाया था क्वेश्चन 8। और ये टीचर ने पीछे वाला टीचर ने एक दफ़ा लिया था। तो हमारा क्वेश्चन 11 है, इफ ऑल ऑफ योर होम अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन अ सीरीज सर्किट, व्हाट वुड हैपन इफ एनी वन ऑफ देम गेट्स ब्रोकन और डिस्ट्रॉयड। तो इसका आंसर है, ऑल होम अप्लायंसेस स्टॉप वर्किंग बिकॉज सर्किट इज ब्रोकन। हमारा क्वेश्चन 12 है, हाउ मैनी सिंबल्स आर यूज टू ड्रा अ सर्किट, देयर आर सिंबल्स सच एज बल्ब की ये डायग्राम है, वायर की ये डायग्राम है, बैटरी की ये डायग्राम है, स्विच ऑन की ये डायग्राम है, और स्विच ऑफ की ये डायग्राम है। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी आ गई है वर्क इट आउट। हमने सीरीज सर्किट में एरोज लगाने हैं, तो बैटरी से करंट जाता है पहले इस बल्ब को, फिर इस बल्ब को जाता है, फिर ये वायर जाती है, फिर इसको जाती है, ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहता है। तो हमें क्वेश्चन दिया है, इफ़ अ लाइट बल्ब इज मिसिंग और ब्रोकन इन अ सीरीज सर्किट, विल द अदर बल्ब लाइट एग्जांपल एक्सप्लेन। हाँ जी, एक्सप्लेन। If a light bulb is missing or broken in series circuit, all other bulbs stop working because circuit broken. अब ये पैरेलल सर्किट है, हमने इसके भी एरोज ड्रा करने हैं। तो बैटरी से जाता है करंट पहले इसको, फिर नहीं, बैटरी से जाता है करंट पहले इसको, फिर इसको, और ये दोनों तरफ कनेक्ट होता है, पहले इसको भी जाता है और इसको, दोनों को ही जा रहा होता है, और फिर ये इधर से बैटरी में जाता है, ऐसे प्रोसेस चल रहा है। इफ़ आ बल्ब, सॉरी, पहले हम इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे। इफ़ आ लाइट बल्ब इज मिसिंग और ब्रोकन इन अ पैरेलल सर्किट, विल द अदर बल्ब लाइट एक्सप्लेन। इफ़ आ बल्ब इज मिसिंग और ब्रोकन इन अ पैरेलल सर्किट, अदर बल्ब कीप ऑन वर्किंग बिकॉज ईच पाथ इज अ कम्प्लीट सर्किट। तो आगे हमारे आ जाते हैं, अब हम कॉलम मैच करेंगे। कॉलम ए, कॉलम बी। क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट होता है जी ये, जो तारें जुड़ी होती हैं वो होते हैं क्लोज सर्किट। बैटरी होती है जी ये, स्विच ऑफ होते हैं जी ये, जो तार एक दूसरे से नहीं मिली होती वो होते हैं स्विच ऑफ। बल्ब ये होता है, वायर ये होता है, स्विच ऑन जी ये होती है, स्विच ऑन की डायग्राम। ओपन सर्किट की होती है जी ये। तो अब मैंने आपको आज ये पूरा
यूनिट करवाया है। अगर आपको ये यूनिट अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में बताएगा, और आपको जो समझ आए वो भी कमेंट्स में बताएगा। और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़। आपको इस वीडियो में कोई एक क्वेश्चन भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ठोक दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ मिल जाएं। अल्लाह हाफिज़।